हे गाइस वेलकम। और बहुत दिन बाद मैं एक वीडियो डालने जा रही हूँ अपने चैनल पे। तो मैंने कल ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, सो मुझे तो बहुत इजी लगा क्योंकि मैं सॉल्व कर पाई। ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं ऐसा करती हूँ। आई शुड चेंज माई सेल्फ आई थिंक। या तो मैं क्या बोल रही थी, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जिस्ट विथ इट्स नेगेटिव। तो ये वाला प्रॉब्लम एक नया प्रॉब्लम है यहाँ का, क्योंकि एक कंपटीशन का प्रॉब्लम है जो मैंने सोचा कि मैं अब कंपटीशन देना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक पुराने कंपटीशन का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करती हूँ, तो ज़्यादा पक पक ना करते हुए स्टार्ट करना चाहिए मुझे इस वीडियो को। ओके, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस समझो ये वाला एरे है, इसमें जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे 3 है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका जो नेगेटिव है जैसे -3 एग्जिस्ट है क्या? तो अगर है ना, तो हम दे देंगे उस पॉजिटिव इंटीजर को, हम आउटपुट कर देंगे, ठीक है। अगर जैसे 2 है तो इसका -2 रहेगा, पर वो आउटपुट नहीं होगा क्योंकि 3 2 से बड़ा है, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ओके, तो मैं ये वाले को दे के आप लोग को इसका ड्राई रन समझाऊँगी, ये एग्जाम्पल 2 को लेके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले देखिए मैंने क्या किया। अगर नम्स का साइज़, नम्स जो एरे है उसका साइज़ 1 हुआ, तो रिटर्न कर दो -1। ऑफ कोर्स उसका अगर कोई भी नंबर है उसमें सिर्फ एक ही है, उस एरे में एक नंबर एक ही है, तो उसके बाद मेरा कोई मतलब नहीं बनता है करने का, तो रिटर्न कर दो -1। सॉर्ट कर दूँगी, तो चलो सॉर्ट करते हैं इस वाले एरे को। मेरा माउस थोड़ा ख़राब हो गया है, चलो तो आ गया मेरा -7। ओके, फिर क्या आएगा, -7 हुआ, फिर -1, वन को ज़्यादा ही छोटा हो गया था, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर आएगा मेरा 1, फिर 6, फिर 7, फिर 10। ओके, अरे शॉर्ट हो गया मेरा, ठीक है, शॉर्ट नहीं शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, अब एक स्टार्ट के लिए रखा है मैंने, जो स्टार्ट होगा यहाँ पे, ये मेरा स्टार्ट है जिसको मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। और ये मेरा एंड है जिसको मैंने नम्स और साइज -1 रखा है, तो यहाँ पे मेरा एंड चल रहा है, ठीक है। ई से एंड, स्टार्ट से एस। अच्छा, मैक्स के में मैं स्टोर करूँगी कि वो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है जो मुझे आउटपुट में देना है, मतलब यहाँ जो 7 है ये मेरा मैक्स के में स्टोर है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट जब तक लेस रहेगा एंड से, मतलब ये दोनों जब तक आर पार नहीं जाएंगे, मतलब ये जब तक स्टार्ट जब तक एंड से छोटा है तभी तक ही चलेगा, ठीक है। और नम और स्टार्ट लेस देन नम्स एंड, ये इसलिए मैंने रखा है ना क्योंकि मैंने इसमें एक टेस्ट केस था, मेरे सारे टेस्ट केस पास हो गए थे पर एक टेस्ट केस पास नहीं हुआ था, ठीक है। वो था उसमें सिर्फ 1000 1000 1000 1000 था, क्यों? तो इसमें एक्चुअली देखिए मैंने ऐप्स कर दिया था तो इक्वल हो जा रहा था, तो वाले में आउटपुट 1000 ही दे दे रहा था, पर एक्चुअली उसका तो कोई नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं देना चाहिए था। इसलिए अब वैल्यू हमेशा जो स्टार्ट वाली रहेगी वो लेस रहेगी जो एंड वाली है। देखो, स्टार्ट की वैल्यू लेस से ये लेस होनी चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव रहेगी, तो लेस होगी तभी आगे बढ़ेगा। ये जब मैंने किया तो मेरा प्रोग्राम फुल्ली रन हो गया और बहुत अच्छे से रन हुआ, मैं आपको दिखाऊंगी रन करके, ठीक है। अच्छा, फिर देखो, इफ़ एप्स नम स्टार्ट इक्वल इक्वल्स टू एंड, मतलब ये जो स्टार्ट पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब 7 इक्वल इक्वल टू एंड वाली वैल्यू 10 इक्वल है क्या? नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल है क्या? नहीं है, तो एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स में हमें क्या करना है, एल्स एल्स में देखो उसमें भी दो कंडीशंस है। अगर 7 का वैल्यू, मतलब एब्सोल्यूट नम स्टार्ट, मतलब 7 इज ग्रेटर देन नम सेन, ग्रेटर तो नहीं है तो मतलब एंड, तो ग्रेटर तो नहीं तो स्टार्ट प्लस नहीं होगा, तो एंड एल्स हो जाएगा। एल्स में एंड -1, मतलब एंड अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं मिटा देती हूँ, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, चलो गया। अच्छा, फिर उसके बाद फिर से शुरू करते हैं। अभी भी स्टार्ट लेस देन एंड है और नम का स्टार्ट या -7 इज ऑफ कोर्स लेस देन 7, तो अब एब्सोल्यूट स्टार्ट, इसका मतलब 7 इज इक्वल टू नम्स एंड, यस, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 7 इज इक्वल टू 7, हाँ ये हो रहा है। तो मैक्स के में क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स के का वैल्यू था -1, -1 कॉमा नम्स एंड 7, -1 और 7 में से ऑफकोर्स मैक्सिमम है 7, तो 7 स्टोर हो जाएगा मैक्स के में, और स्टार्ट प्लस प्लस। अब स्टार्ट मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू नहीं रहेगी अब, ठीक है। अब मैक्स में क्या स्टोर हो गया है, मैक्स के में एक वैल्यू स्टोर हो गया, अभी इसमें 7 स्टोर हुई है, ठीक है। अब देखो, फिर अब यहाँ पे फिर से चेक करने आएंगे, स्टार्ट लेस देन एंड तो है ही और वैल्यू भी कम है, तो अब इसमें हम लोग चेक करने आएंगे, तो 1 इज इक्वल टू 7 ऑफ कोर्स नहीं, तो एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। अब जब अगर इफ एप्स डॉट नम स्टार्ट, मतलब 1 इज ग्रेटर देन नम सेंड,
नहीं, ग्रेटर देन तो नहीं है, तो एल्स पार्ट आएगा, एंड माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये भी एंड नहीं है, एंड आ गया है ये। ठीक है एंड अब ये आ गया है। अच्छा नम एंड ये है, अभी भी क्या है जो स्टार्ट है लेस देन एंड है, और नम्स ऑफ जो स्टार्ट है वो लेस देन नम्स ऑफ एंड है। ठीक है तो अभी भी चलेगा, चेक करेगा ये वाला कंडीशन तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो एल्स में जाएगा। तो एब्सोल्यूट नम स्टार्ट में वन इज ग्रेटर देन नम्स एंड, नहीं लेस देन है, तो एल्स में जाएंगे, एंड माइनस माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है तो उसके बाद अब फिर से मैच करेगा, तो अब देखो मैच करेगा तो इक्वल हो जा रहा है, तो स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ अब स्टार्ट भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या, और मैक्स में क्या स्टोर हुआ, मैक्स में पहले से था 7 और अभी आया नम्स डॉट एंड जो था 1, तो इन दोनों से मैक्सिमम कौन है, तो इसमें से मैक्सिमम भी निकल के आएगा वो रहेगा 7 ही अपना। ठीक है तो लास्ट, तो अभी देखो 7 ही मैक्स के में, अभी भी मैक्सिमम 7 ही स्टोर है। फिर अब जब क्या होगा, अब सॉरी एक जगह पे आ गए, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो वाइल लूप से अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो अब हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्स के जिसका वैल्यू मुझे मिला था 7, लास्ट तक मेरा वैल्यू 7 ही था। तो देखो इसका सोल्यूशन बहुत मस्त है, मैं आप लोग को इसका ये दिखाती हूँ। मेरा एक मिनट, मैं ये इरेज कर देती हूँ, बहुत मेरा माउस लिटरली ख़राब हो चुका है। सो ये देखिए, ठीक है अब ये देखिए, ये वाला सोल्यूशन मेरा 61% से CVP सोल्यूशंस को बीट कर रहा है, और मेरा मेमोरी तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मेमोरी यूसेज 95.26% CVP सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग भी इस सोल्यूशन को कीजिए और ऐसे ही प्रोग्रामिंग करती रहिए। गाइस मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके।